बचपन प्ले स्कूल पकड़ी गैस एजेंसी रोड के द्वारा एक अच्छी पहल है कि स्कूल के छोटे बच्चों को सामाजिक गुण सिखाया जा रहा है। आज बचपन प्ले स्कूल की निर्देशिका नेहा शर्मा ने अपने स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को आरएस अस्पताल का परिभ्रमण कराया था, स्वास्थ्य उपचार से संबंधित जानकारियां दी। नेहा शर्मा ने कहा कि बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए इस तरह का कार्य बहुत ही जरूरी है एवं तंबाकू सेवन से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में जानकारियां दी। बच्चों से अपील भी की है कि अगर आपके घर में कोई भी परिवार का सदस्य अगर तंबाकू का सेवन करता है तो उन्हें आप मना करें। ओपीडी इमरजेंसी एम्बुलेंस के विस्तृत जानकारियां दी। और हम लोग अपने घर में जाके क्या सिखाएंगे सबको, जो गंदे काम करता है कि आज के बाद ये सब गंदी आदत छोड़ दी जाए, क्योंकि उससे हम हेल्दी हो जाएंगे और अच्छे से जिएंगे, हमें कोई भी डिजीज नहीं होगी। डिजीज क्या होता है? बीमारी। हमको कोई भी बीमारी नहीं होगी और हम अच्छे से रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, है ना। सब लोग बोलो से नो टू टोबैको, बोलो से नो टू टोबैको, टोबैको को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोबैको। क्या बोलते हैं? टोबैको। तो आज के बाद सबको बोल दो, सब बच्चे आज के बाद कोई भी तंबाकू नहीं खाना, बोल दो। नहीं तो आप क्या हो जाओगे? मर जाओगे। क्या हो जाओगे? मर जाओगे। किसी को गर्मी नहीं लगेगी। हॉस्पिटल का परिभ्रमण कराया गया क्योंकि मैंने देखा कि आरा में जब भी कोई बीमार होता है तो एक ही हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि कभी रात में कोई बीमार हो जाए तो बाकी तो डॉक्टर्स प्राइवेट जो बैठते हैं उनके टाइमिंग्स हैं और बहुत नंबर लगाओ, ये करो वो करो, बड़ी फॉर्मेलिटीज़ है। मगर ये जो हॉस्पिटल है, मैं भी बहुत बार जब बीमार होती हूँ तो यही हॉस्पिटल काम है, रात में 12 बजे या 2 भी बजे तो हम लोग यहीं आए हैं, तो यहाँ का हमें अच्छा हॉस्पिटल है ये। बच्चों को आज क्या सिखाया गया? हमने बच्चों को यही सिखाया कि जैसे कि ये एक छोटी सिटी है, यहाँ पे यही सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, तो जब भी कोई बीमार हो एम्बुलेंस सिखा के, एम्बुलेंस क्या होता है क्योंकि कुछ बच्चे तो अकेले रहते हैं मम्मी पापा के साथ, भगवान नहीं करे रात को कोई बीमार हो जाए, उनको ये सिखाया कि एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है, क्योंकि आजकल तो बच्चों को मोबाइल चलाना आता ही है, 102 डायल करो जल्दी से एम्बुलेंस आ जाएगी, कि ये भी क्योंकि अब छोटे नहीं है बड़े हो रहे हैं ऐसा ऐसे, तो इनको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आज इन्होंने ये सीखा है कि एम्बुलेंस को बुलाइए और जाइए, और यहाँ पे बेस्ट हॉस्पिटल अवेलेबल है, डॉक्टर उसी टाइम अवेलेबल हो जाता है इमरजेंसी में, तो यही सिखाया कि इमरजेंसी क्या होता है, ओपीडी क्या होता है। अभी छोटे हैं मगर ये भी सिखाया कि ये सबसे बड़ी यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे आगे यही लगी, ये बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं कि तंबाकू नहीं खाएं, क्योंकि इसी अभी से ही अगर इनको सिखाया जाए कि ये सब गंदी चीज़ें, तो ये आगे बहुत सोचेंगे, कभी ये करने के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि हम ही लोग हैं जो इनको सिखाएंगे, जो टीचर्स होते हैं वो उनसे अच्छा कोई बच्चे को सिखा नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा कि इनको यहाँ पे पिकनिक तो हम लेते ही रहते हैं, मगर ऐसे जगह लोग ताकि इनको नॉलेज हो, तो यहाँ हाँ इनको नॉलेज थोड़ी ही चाहिए मगर होगी, आहिस्ता आहिस्ता ये अपने घर में जाके बताएंगे कि ये सब नहीं करना चाहिए, तो हाँ बच्चों की बात तो सब मानते ही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इनके घर वाले जो भी अगर कोई बिगड़ा भी होगा, कोई गंदी आदत भी होगी, तो सुधरेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कुछ करें कि जिससे थोड़ी जागरूकता आए और सब बच्चे आगे सक्सेस की ओर जाएं। यही छोटी छोटी चीज़ें। मैं नेहा शर्मा, डायरेक्टर बचपन प्ले स्कूल आ रहा हूँ।